तो सीक्रेट बात है, नहीं तो राजा की बदनामी होगी कि देखो रानी को निकाल दी, इतनी सती स्त्री है इसको निकाल दी। क्योंकि सुनीति के स्वभाव से सभी परिचित हैं, पूरे राज्य के लोग परिचित हैं, अच्छा बुरा स्वभाव छिपता थोड़ी है, सारे रिश्तेदारों में फैल जाता है इनकी बहू कैसी। इधर थोड़ा सा इधर ऐसे सरक जाओ, बिल्कुल हमारी तरफ इनसे सबसे आगे वाले। राजा यह भी नहीं चाहते कि रानी घर से बाहर जाए। अंत तो गत्वा रानी ने स्वयं डिसीजन लिया, स्वयं निर्णय लिया कि एक हमारे बगीचे में एक झोंपड़ी है। अभी अभी सत्संग हुआ था, नारद जी महाराज आए थे चतुर्मास के लिए, वहां पर बनाई हुई थी कुटियाएं बनी हुई है, भगवान का मंदिर है, पहाड़ी की तलहटी में बड़ा सुंदर उपवन है, फल फूल है, मैं वहां रहूंगी महाराज, किसी को पता भी नहीं चलेगा और सुरुचि भी खुश रहेगी। देखो सुरुचि मेरी छोटी बहन है, उसको खुश रहना चाहिए, दूसरे की खुशी के लिए त्याग करना पड़े तो करना चाहिए, घर में दूसरों की प्रसन्नता के लिए आपको त्याग करना पड़े अगर उचित है तो करना चाहिए। अगर सास प्रसन्न रहती है और आपको नींद का त्याग जल्दी करना पड़े तो वह अच्छी बहू मानी जाएगी। हमीरपुर में तो सारी अच्छी है लेकिन अच्छी मानी जाएगी। बहू के प्रसन्नता के लिए थोड़ा लोभ छोड़ना पड़े, बेटे का मोह भी छोड़ दिया, बेटा तेरे हवाले, शादी से पहले बेटा मां का है, शादी के बाद पत्नी का है, फिर पुत्र मोह का त्याग कर दे, अब मेरे पास ही रहे जैसे बचपन में मेरी गोदी में बैठता था वैसे रोज आकर बैठे, ऐसा दुराग्रह नहीं होना चाहिए, हठ नहीं होना चाहिए। और माताओं में यह हठ रहता है, मेरा बेटा केवल मेरा है, शादी के बाद नहीं, शादी के बाद बेटी है दामाद की और बेटा है बहू का, सीधा सन। ढाई ढाई साल का शादी नहीं हुई तब तक बेटा मां का है, बेटी मां की है और शादी के बाद बेटी दामाद की है, ये तो मान लेते हैं, लेकिन बेटा बहू का है ये माताएं स्वीकार नहीं कर पाती, भीतर से मोह नहीं छोड़ पाती। ठीक है संस्कार जितने डालने थे मैं डाल सकी डाल दिया, नहीं डाल सकी भूल में तो नहीं डाल सकी, अब मेरा नहीं, अब बहू जैसा बनाना चाहे ठोक पीट कर, हाँ बहू तो ठोकती पीटती रहती है, टॉर्चर भी करती रहती है, जैसा बनाना चाहे तेरे हवाले, फिर अटैचमेंट नहीं रखना, इतनी अटैचमेंट बहुत है शादी तक, इसके बाद तो डुबोने वाली है, लड़ाई करवाने वाली घर में, बेचारा बेटा बीच में पिसता रहता है, मां की तरफदारी करे या पत्नी की करे, पत्नी भी अधिकार रखती है कि मैं आपकी पत्नी हूं, मेरा अधिकार है, पेमेंट पूरी लाकर मेरे को दो, मां कहती है मेरा बेटा है, मैंने पाला पोसा है, पढ़ाया है, अपने पेट में रखा है 9 महीने 9.5 महीने, कोई कोई माता कहती होगी 10 महीने, माता का भी अधिकार है, क्या करे बेचारा। बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए त्याग करना पड़ता है। घर में शांति चाहते हो तो अपने आग्रह का त्याग, अपनी इच्छाओं का बोलो त्याग, अपनी इच्छाओं का त्याग नहीं होता लड़ाई होती है, चाहे घर में हो चाहे पार्टियों में हो, अपनी हॉबी का त्याग नहीं कर पाए, लड़ाई हो रही झगड़ा हो रहा है, दुश्मनों को गले लगाए जा रहे हैं, आध्यात्मिक रूप से दुश्मन है उसको गले लगाए जा रहे हैं, क्या हो रहा है आज, यही तो हो रहा है, अपने आग्रह का त्याग नहीं कर पाते।
अपनी इच्छाओं का त्याग नहीं कर पाते, सुरुचि बनकर बैठ जाते हैं, सुनीति नहीं बनते, सुंदर नीति नहीं। सुंदर नीति यही है, अपनी इच्छा का त्याग, अपने सुख का त्याग दूसरों के सुख के लिए। थोड़ी नींद का त्याग करना पड़े, थोड़े अच्छे कमरे का त्याग करना, कि चलो हम अभी पुराने मकान में रहते हैं, अच्छा वाला मकान इनको दे दो, अच्छा वाला मकान इनको दे दो। हम राजस्थान जाते हैं, गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, तो लोगों का ये भाव रहता है कि नया मकान बनाया है तो यहाँ पर कोई कथा हो, सत्संग हो, महाराज जी रुके, संत रुके यहाँ पर, ऐसा भाव रहता है। कम हो रहे हैं, शिक्षा बढ़ रही है, पूरे उत्तर भारत में शिक्षा का स्तर सबसे अच्छा है हमारी देवभूमि में, क्योंकि संस्कारों का स्तर बहुत नीचे गिर रहा है। संस्कार कैसे आएंगे, बच्चों को लाना नहीं चाहते सत्संग में, बच्चों को सत्संग में कोई नहीं लाता। 20 साल से मैं हिमाचल में कथाएं कर रहा हूं, 22 साल से बच्चों को सत्संग में लाते हुए नहीं देखा मैंने, अच्छे माँ बाप नहीं देखे। आप लोग अच्छे बन जाओ तो ये कमी पूरी हो जाएगी। आप लोग अच्छे माता पिता बन जाओ तो ये कमी पूरी हो जाएगी। एक माता जी बोली, महाराज बेटे के लिए कुछ बताओ। मैंने कहा बेटे को पहले सत्संग मिलाओ। वो कहती मेरी बात नहीं मानता, बात ही नहीं मानता, वो नहीं आता सत्संग से, कोसों दूर रहता है। सत्संग की बात कान में ना चली जाए, जब तक कथा होती है तब तक घर से बाहर चला जाता है, फटफटिया ली बाहर से बार बार, ऐसा भी होता है। एक उपवन में, एक बगीचे में जाकर सुनीति रहती है, भगवान का भजन करती है और दुख नहीं हुआ, ये तो कोई बात नहीं, उसको आनंद हुआ मन में। मन में आनंद क्या मनाया कि देखो भगवान की बड़ी कृपा है, मेरे पेट में बच्चा है, अब ये बच्चा भगवान का भक्त बनाना है इसको। घर में महल में तो भजन कर नहीं पाती थी, रजोगुण के संस्कार थे और मेरे ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी, मैं बड़ी रानी थी, सब मेरे से पूछते थे बड़ी रानी जी ये करना है, बड़ी रानी जी वो करना है, बड़ी रानी जी। सारी दासियों का, नौकरों का, अंतःपुर का जितना भी व्यवस्था थी, होम मिनिस्ट्री जितनी थी, सब मेरे पास थी। लेकिन अब कोई काम नहीं है यहां पर। ठाकुर जी को फलों का भोग लगाकर फल का प्रसाद पाऊंगी जब भूख लगेगी तब, और खूब भजन करूंगी। मौन धारण कर लिया, आज से किसी की निंदा नहीं करूंगी। ये 9 महीने ट्रेनिंग पीरियड होता है हमारी बेटियों के लिए, इस ट्रेनिंग में पास हो गई तो ये तो फिर आईएएस की बात है, आईएएस आईपीएस कुछ भी नहीं इनके सामने, फिर तो ये सुमित ना है। उस ट्रेनिंग में पास नहीं हुई तो महाराज कहते ही तो है ही, फिर उसमें तो कोई शंका नहीं। नौ महीने की ट्रेनिंग पीरियड होती है। सुरुचि खूब ध्यान रखती है इस बात का कि बच्चे पे गलत संस्कार ना पड़े, इसलिए हमेशा प्रसन्न रहती है। प्रसन्न रहो, माताएं प्रसन्न रहेंगी तो होने वाली संतान प्रसन्न रहेगी, और माताएं मुंह फुला के रखेंगी तो बच्चा भी ऐसे ही होगा, किसी से बात नहीं करेगा वो। कई बच्चे ऐसे होते हैं, कोई दोस्त नहीं उनका, वो किसी से बात नहीं करते, वो अपनी बात किसी से शेयर नहीं करते, और जब कंडीशन आती है तो उस कंडीशन को फेस नहीं कर पाते, सुसाइड कर लेते हैं। कोई दोस्त ही नहीं किसी से शेयर करें, हल्का करें अपना दर्द, किसी से नहीं, किसी से बोलते ही नहीं। महाराज साडा मुन्नू तो किसी से बोलते ही नहीं, पक्कू है बिल्कुल, ना स्कूल में बोलता, ना घर में बोलता, ना इथी बोलता, ना तिथि बोलता, कुत्थी नहीं बोलता। उसका कोई दोस्त नहीं है, ना कोई मट्ठा है, ना मट्ठी है मंडी में,
न मुन्नू है न मुन्नी है हमीरपुर में। बिल्कुल कटी पतंग है, कोई उत्साह नहीं, कोई उमंग नहीं, जीवन में कोई आनंद नहीं। बड़े होकर ऐसा लगता है जैसे पूरा हमीरपुर उसके सिर पर रखा है, इतना टेंशन, इतना टेंशन। बहुत ज्यादा तनाव रहते हैं। हमारे कई मित्र हैं, आईएएस आईपीएस हैं, कई हैं, क्लास फेलो भी हैं। हम देखते हैं कितना टेंशन, पूरा जिला उनकी खोपड़ी पर रखा जैसे। मेरे से कभी बात करते हैं, मैंने कहा आपकी बात आप रखो भाई, हम कुछ नहीं रखते वजन, वजन कुछ नहीं रखते, यहां तक कि चार पांच दिन में बालों को भी छील के फेंक देते हैं, बालों का भी वजन, बालों का भी वेट लेते हमको भारी होता है। तुम पूरा डिस्ट्रिक्ट रखते हो अपनी खोपड़ी पर, आपको मुबारक है, आपके लिए अच्छा है, आप रखो, आप ढो सकते हो बाहर ढोते हो, नो प्रॉब्लम। माता के भाव बच्चे पर आते हैं। सुरुचि बहुत सावधान है, किसी की निंदा नहीं करनी, असत्य नहीं बोलना, प्रसन्नता रखनी है, सकारात्मकता रखनी है। पॉजिटिव अप्रोच बनाकर रखनी है, किसी के प्रति दुर्भाव नहीं रखना, नेगेटिव नहीं सोचना। उसके इस भाव से भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान का कैमरा भक्तों के ऊपर लगा रहता है, तो सबके ऊपर, पूरे हमीरपुर के ऊपर, लेकिन भक्तों का जो कैमरा होता है उसको भगवान स्वयं देखते रहते हैं, मॉनिटरिंग करते रहते हैं। भक्तों के हृदय में लगाओ भगवान का कैमरा, सबके हृदय में लगा। उसका भाव नहीं बिगड़ा, उस भाव को भगवान ने देखा और नारद जी को प्रेरणा दी कि नारद जी जाओ, ऐसी महान नारी को सत्संग मिले तो यह महापुरुष की मां बन सकती है निश्चित। नारद जी को भेजा, नारद जी का सत्संग करती है, नारद जैसे महापुरुषों का सत्संग करती है, भगवान की भक्ति करती है, अंतःकरण बहुत शुद्ध हो गया। उसी का परिणाम हुआ कि शुभ मुहूर्त में ध्रुव जी जैसे महापुरुष का जन्म हुआ। जैसे ही ध्रुव जी का जन्म हुआ, आकाश से देवताओं की धुंधली बजी है, जय जयकार हुआ है। बोलिए ध्रुव जी महाराज विक्रम जननी कृता था, वसुंधरा पुण्यवती सतेन। वसुंधरा पृथ्वी भी हर्षित होती है, पुण्यवती हो जाती है, वो कुल सारा पवित्र हो जाता है, जननी कृतार्थ हो जाती है, मां उसकी कृतार्थ हो जाती है। मां कुछ करके कृतार्थ नहीं होती, भक्त को जन्म देकर ही कृतार्थ होती है मां। या तो आत्मकल्याण कर ले स्वयं का, अथवा किसी भक्त की मां बन जाए, तब जाकर वह कृतार्थ होती है, तब जाकर नारी की पूर्णता होती है, उसके पहले अपूर्ण है, उसके पहले अनकंप्लीट है। पूरा सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है, हमने देखा है ऐसी भक्त माताओं को, संतों की माताओं को देखा है, भक्तों की माताओं को देखा है हमने, उनको बहुत शांति रहती है, बहुत आनंद रहता है, एक अलग प्रकार का स्वाभिमान रहता है उनका। क्योंकि धन से अभिमान करेंगे, धन तो कल चला जाएगा तो फिर रोएंगे, आज अभिमान है कल दीनता आएगी। भौतिक वस्तु को लेकर, परिस्थिति को लेकर जो भी अभिमान होता है वह है दीनता में बदल जाता है, लेकिन भक्ति का अभिमान कभी दीनता में नहीं बदलता, उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, दिन दूना रात चौगुना, दिने दिने बढ़ते सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन। खर्च न खूटे, खर्च से घटता नहीं, कितना ही खर्च करो, कितना ही खर्च करो, रोज बांटते रहो, रोज बांटते रहो, हजारों लोगों को मीरा रोज भक्ति बांटती है।
और कोई ताले में रखना, लाकर से रखने की आवश्यकता नहीं है। चोर न लूटे, खर्च न कूटे, चोर बंटवारा भी नहीं कर सकता कि भाई बंटवारा कर लेगा कि लाओ हिस्सा करो, बेटा मांगेगा हिस्सा करो, ऐसा धन है इसका बंटवारा नहीं होता। खर्च न कूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़ते सवाय हो, रोज सवा गुना हो जाता है, रोज सवा गुना हो जाता है, चार दिन में दोगुना हो जाता है, किसी एफडी में ऐसा नहीं होता, चार साल में भी नहीं होता, बैंक में शायद चार साल में भी नहीं होता, हमें पता नहीं है, आप लोग जानते हैं। ऐसा धन सुना ना, दो लाइन सुना दो। रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, राम रतन धन कृष्ण रतन धन राम। Thank you.
टेंशन नहीं। सांसारिक धन का बहुत टेंशन होता है, जो भौतिक धन है बड़ा टेंशन होता है उसका, कोई ले जाए कुछ कर ले। हमको तो अनुभव नहीं क्योंकि हमारे पास हम रखते नहीं। आ भी जाता है तो कोई संस्था में भिजवा दिया, विद्यार्थियों के लिए भिजवा दिया, गौशाला में भिजवा दिया, रखते नहीं है पास में। लेकिन हमने देखा जिनके पास पैसा है बहुत टेंशन होता है उनको। मुंबई में हर साल हम जाते हैं, एक कथा होती है वहां, तो पिछले साल गए जिस कमरे में ठहरे उसमें कैमरा लगा हुआ था। मैंने कहा भाई इस कमरे में कैमरा लगा है ठीक नहीं है। बोले महाराज इस कमरे में हमारी तिजोड़ियां रखी अलमारियां रखी इसलिए हमने कैमरा लगाया, एक बार चोरी हो गई तो कैमरा लगाया हुआ है। हमने कहा फिर हमको दूसरा कमरा दो। खैर रहे 7 दिन वहां, कोई दूसरा था नहीं, 7 दिन रहे लेकिन असहज लगता है तो चिंता होती है, कैमरा लगा के रखा है। घर में नौकर आते हैं नौकरानी आती हैं, रिश्तेदार भी आते हैं, महाराज चोरी हो गई एक बार तो कैमरे से पता लग जाएगा। मैंने पूछा कितना पैसा होगा? बोले महाराज आपसे कैसे पाना, 5-10 करोड़ रुपया हमारे पास पड़ा ही रहता है कैश, हर समय बैंक में रखे हैं, हर समय लाए निकाल कर, फैक्ट्री वाले आदमी कब क्या जरूरत पड़ जाती है, माल आता है देता पड़ता है, 2 नंबर का होता है 1 नंबर का होता है, अब मेरे को पता नहीं 2 नंबर 1 नंबर क्या होता है। उन्होंने जैसे बताया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का होता है। तो चिंता होती है सांसारिक धन की, लेकिन इसकी कोई चिंता नहीं है। खर्च से घटता नहीं है, चोर लेता नहीं है, दिन दिन बढ़ते सब आया, ऐसा धन है। तो कोई महापुरुष आता है, भक्त आता है तो सबको प्रसन्नता होती है, भक्ति आती है तो सबको प्रसन्नता होती है, और दुष्टता आती है तो सबको दुख होता है, उसका घर वालों को भी दुख होता है, किसी में दुष्टता आ जाए सबको दुख होता है। कोई महापुरुष की आत्मा आती है तो सारी प्रकृति प्रसन्न होती है, और दुष्ट की आत्मा आती है तो सारी प्रकृति दुखी हो जाती है। कभी भूकंप आते हैं, कोई बहुत बड़ा आतंकवादी आए तो ऐसा होता है, कभी भूकंप आ रहा है उस देश में, कहीं ओले पड़ रहे हैं, कहीं बिजलियां पड़ रही हैं, बहुत दुष्ट आता है, आतंकवादी आता है। कंस आया तब ऐसे हुआ था, दुर्योधन आया तब भी ऐसा हुआ था, रावण आया तब भी ऐसा हुआ था, और कृष्ण आए और राम आए तब कैसा हुआ था आप तो जानते हैं। कहीं बहुत ज्यादा भूकंप के झटके लगे, बहुत ज्यादा उल्लू बोले, बहुत ज्यादा अपशकुन हो, प्रदेश में जिले में प्रदेश में या राष्ट्र में अशांति हो जाए तो समझो कि उस लेवल का कोई दुष्ट पापी आ रहा है, धरती पर आया हुआ। सामान्य व्यक्ति के आने से जैसे आपके हमारे घर में बच्चे आते हैं तो उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, ना वो बहुत ज्यादा पापी है ना पुण्यात्मा है, सामान्य है बेचारे, अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आए, उसका पता नहीं लगता। उसका पता बस अड़ोसी पड़ोसी को लगता, थोड़े बहुत बाजी बाजी बच जाते हैं, कार्ड छपा लेते हैं तो लग जाता है, लेकिन उसका पता अपने आप लग जाता है अनटोल्ड, बिना कहे पता लग जाता है। ध्रुव जी का पता सब ऋषि मुनियों को लग गया अपने आप। राजा भी आए उत्सव में, पुत्र उत्सव मनाया, सुरुचि को छोड़कर सब प्रसन्न है, केवल सुरुचि को प्रसन्नता नहीं, सौत भाव है, यहां सौकण कहते ना आप लोग, सौत भाव है उसका। वो आई भी नहीं उत्सव में, उत्सव में नहीं आई,
कल हम घूम रहे थे, एक सज्जन मिले, हमने कहा भाई सत्संग चल रहा आपके मोहल्ले में, आप आते नहीं? बोले मैं नहीं आता महाराज, उनके यहां हम नहीं जाते। तो उनके यहां मत जाओ, सत्संग में आ जाओ आप। नहीं बिल्कुल नहीं आऊंगा, बिल्कुल नहीं आऊंगा, मैं भी छत्री हूं, बिल्कुल नहीं आऊंगा। वो बोला भाई मैं छत्री नहीं हूं, वो बोला मैं छत्री नहीं, ना मैं ब्राह्मण हूं, ना छत्री हूं, ना वैश्य हूं, ना शूद्र हूं। वो भाई बोला हम तो प्रभु के हैं, प्रभु हमारे, हम किसी के नहीं, ना ब्राह्मणों के, ना क्षत्रियों के, ना इस पार्टी के, ना उस पार्टी के, ना तेरी पार्टी के, ना मेरी पार्टी के। कई संस्थाओं ने प्रयास किया, कई संगठनों ने प्रयास किया, लेकिन किसी के साथ कोई जुड़ाव नहीं, कोई राग द्वेष नहीं। ये महाराज जी की प्रेरणा थी, किसी संस्था से आप जुड़ जाओगे, संगठन से जुड़ जाओगे, दल से जुड़ जाओगे, ट्रस्ट से जुड़ जाओगे, तो आपके उद्धार में एक बहुत बड़ी बाधा लग जाएगी। स्वामी रामचंद्रदास जी महाराज कहते थे कि साधक को जिसको अपना उद्धार करना है, किसी भी संस्था से, दल से, ट्रस्ट से, समितियों से एक डिस्टेंस रखनी चाहिए। हमारे कई गुरु भाई भी हैं, कोई अखाड़ों में अधिकारी हैं, कोई मंडलेश्वर हैं, कोई कुछ हैं, कोई कुछ हैं, कुछ राजनीतिक दलों में भी रखते हैं घुसपैठ। अपने तो छोटे बनकर दूर से ही तमाशा देखना है। दल दल है, दल दल क्या है, दल दल है दलों में, दल दल में फंसते जाओगे, फंसते जाओगे, राग द्वेष हो जाते हैं। क्या हो जाता है? राग द्वेष, अटैचमेंट डिटैचमेंट, एक से अटैचमेंट, दूसरे डिटैचमेंट, सबसे बड़ा बंधन है। सुरुचि नहीं आई महाराज, अरे देवर्षि नारद भी आए हैं, बड़े बड़े संत आए हैं, चलो सत्संग होगा, कीर्तन होगा, दर्शन कर लेना। ना मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मैं तो अणु से बाहर नहीं जाऊंगी, अणु मात्र भी अणु से बाहर नहीं जाऊंगी। केवल सुरुचि को छोड़कर सब प्रसन्न। अपने अहंकार से व्यक्ति दुखी होता है, अहंकार से अपने एक बना लेता है, अपने अपने बाड़े बना लेता है, दायरे बना लेता है, हम तो ये हैं, हम तो इस दल के हैं। कई लोग सत्संग में भी नहीं आते, कई लोग सत्संग में नहीं आते। एक जगह कीर्तन हो रहा था राम नाम का, श्री राम जय राम जय, तो आधे बोल रहे और आधे नहीं बोल रहे। मैंने कहा भाई ये क्यों नहीं बोलते महाराज? ये बोले दूसरी पार्टी के लोग, इनको राम नाम से परहेज है, राम नाम से परहेज है, राम नाम नहीं देते इनको। अरे भगवान के नाम में क्या पार्टी, क्या दल। लेकिन लोगों ने बना रखे अपने अपने बाड़े, अपने अपने दायरे। हमारे महाराज जी तो कभी कभी कहते थे कि जैसे भेड़ बाड़ों में बंद हो जाती है, वैसे बंद हो जाते हैं इन संस्थाओं में, दलों में, गुरुओं में। गुरु मिल जाता तो गजब हो जाता। गुरु कहता है कि कथा नहीं सुननी, सत्संग में नहीं जाना। पंजाब में गुरु से हमने सुना, बोलते हुए सुना, उसका रिकॉर्डिंग भी किसी ने मेरे को भेजी। फिर जा रहे थे कहीं से हम, तो सुनाई दिया और सत्संग चल रहा था। एक सरदार जी थे, महागुरु हैं, नाम नहीं देते, तो इनका सत्संग चल रहा था, तो वो कह रहे थे कि देखो किसी भागवत में नहीं जाना तुम, किसी मंदिर में नहीं जाना, बस साढ़े कॉल आ गए तो कृपा हो गई, बस अब साड़ी फोटो लटका लो गले में, घरों में बस हो गया वो यार। गुरु जी को देते रहो, 10% देते रहो, कुछ तो देते रहो। गुरु जी आप ही सचखंड में मिल जाएंगे तो आटा उद्धार कर देंगे, सचखंड में ले जाएंगे तो आना।
तो सुरुचि दुखी है और सब सुखी है। जैसे राज्यभिषेक राम राज्यभिषेक में मंथरा दुखी हुई और बाकी सारे अयोध्यावासी सुखी हो गए थे। फिर उसने कैकेयी का भी ब्रह्मवास कर दिया। उसमें गूढ़ रहस्य तो ये है, भगवान की लीला है, भगवान स्वयं करना चाहते हैं ऐसा। बाकी एक उदाहरण के लिए कहा जाता है, राजा बीच बीच में आते थे। अब ध्रुव जी महाराज देखते हैं मां क्या कर रही है, छोटे से ध्रुव जी देखते हैं कि मां कैसे हार बना रही है, कैसे ठाकुर जी को पहना रही है, कैसे आरती कर रही है, कैसे पूजा कर रही है। बस वही देख देख कर सीख गए। थोड़े घुटने चढ़ने लगे तो जाते हैं बगीचे में, फूल तोड़ते हैं और वैसे ही माला बनाते हैं, ठाकुर जी की मूर्ति बनाते हैं, पूजा करते हैं। देखो छोटे बच्चे देखकर सीखते हैं और बड़े समझकर सीखते हैं। ये दोनों का जो लर्निंग प्रोसेस है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। बड़े बच्चे समझकर सीखते हैं किसी बात को, जब तक उसका लॉजिक नहीं बताओ उसको तब तक वो समझेंगे नहीं। और छोटे बच्चे देखकर सीखते हैं मां क्या कर रही है। ये छोटी बच्चियां होती ना, ये देखती रहती है मां क्या कर रही है, कैसी चमक चल्लो बन रही है, कैसी वो लिपा पोती कर रही है, वो देखती रहती है छोटी छोटी बच्चियां। यही करते हैं आजकल की माताएं, मम्मी है, माताएं तो है ही नहीं, मम्मी है। और बच्चों को गोद में लेके कोई आरती तो करती नहीं है, पूजा तो करती नहीं है, वो कोई बड़ों को मत्था तो नहीं टेकती, सास ससुर को मत्था टेकना ही बंद कर दिया आप लोगों ने, बस यहां हाथ लगाते हो, यहां घुटनों में हाथ लगाते। एक सज्जन कह रहे थे कि यहां हाथ इसलिए लगाते हैं कि बच्चे सोचते हैं कि जल्दी इनके ये खराब ना हो। तो चार पाई पर पड़ जाएं, बहुत जरा हमको टॉर्चर करते हैं बुड्ढा बुड्ढी, तो जल्दी ये चार पाई पर गिर जाएं, बिस्तर पर गिर जाएं, ये खराब हो जाएं इनके घुटने, तो इसलिए वो यहां हाथ लगाते हैं। यहां बजा के देखते हैं कितने परसेंट अभी खराब हुआ है, मत्था टेकना, पैरों में मस्तक रखना, पंजों में मस्तक रखना, यहां मस्तक। ध्रुव जी सब सीख गए। मां भक्ति करती है, नारद जी जैसे संतों से श्रवण करती है भगवान की कथा, नवधा भक्ति सब सीख गए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पितः विष्णु भक्ति से नव लक्षणः। नौ लक्षणों वाली भक्ति ध्रुव जी महाराज सीखे, जैसे प्रहलाद जी सीखे वैसे ध्रुव जी सीखे। कैसे वंदन करते हैं, कैसे ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं, सब कैसे भगवान की शरण में होकर डेडिकेटेड हो जाते हैं, सब कुछ ध्रुव जी सीख गए। तो छोटे बच्चों के सामने आचरण बड़ा पवित्र रखो अपना, बच्चों को गोदी में लेकर बच्चों के हाथ से कुछ दिलाओ, घर में एक डोनेशन बॉक्स रखो, रोज एक रुपये दो रुपये दस रुपये उसमें डालो, भर जाए तो गौशाला में बच्चों के हाथ से दिलवाओ, बच्चों के हाथ से दिलवाओ, बच्चों के बाप के हाथ से दिलवाओ, माताओं का कर्तव्य। एक एक गुल्लक रखने में क्या जाता है आपका, बोलो कुछ जाता है तो रखते क्यों नहीं, बोलो एक दो हिला रही खोपड़ी। हर घर में गुल्लक रखो, आज ही रख लो, शुभ काम को सीक्रेट करने से, भर जाए तो गौशाला में दे दो, कोई बीमार है उसकी दवाई के लिए दे दो, हमको या हमारे जैसे लोगों को मत दो, हमें जरूरत भी नहीं कोई, हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, इतना पैसा महाराज इतना पैसा है। आप कहते हो कि कुछ नहीं है, दो जोड़ कपड़े रखते हैं, अरे हमारे पास इतना पैसा है, हमारी मुन्नी
फाइनेंस मिनिस्टर है, लक्ष्मी नाम उसका, जानते हो? एक मुन्नू जो है फाइनेंस सेक्रेटरी है, कुबेर नाम उसका, बताया आपको? हाँ, हिसाब से बात करना, ठाकुर हो तो क्या हुआ, हमारी सरकार जानते हो? तो जहां जरूरत है वहां दो, 10% तो कम से कम निकालना चाहिए, नहीं निकालोगे तो कल बताया था डॉक्टरों के पास जाएगा, वकीलों के पास जाएगा। एक आदमी किडनी खराब हुई, 50 लाख खर्च हो गए, 50 लाख। अभी हमारी कथा अंडमान निकोबार में थी, पोर्ट प्लेयर में। तो पहली बार जब वहां गए तो एक सज्जन थे, मैंने उनको प्रेरणा दी, कई लोगों को प्रेरणा दी, उन्होंने नहीं माना, पैसा बहुत था। अब इस बार गए तो बेटा मिला, मैंने कहा बेटे तुम्हारे पिताजी कहाँ है? बोले महाराज उनकी किडनी का ऑपरेशन होना है, 50 लाख रुपए तो लग गए, कलकत्ता जाना पड़ता है यहां से हर महीने, तो अभी आज सुबह की फ्लाइट से वो कलकत्ता निकले अंडमान से, होटल है वहां उनका, 50 लाख रुपए लग गए, किडनी खराब हो गई। तो थोड़ा थोड़ा दान में निकालते रहो, डॉक्टरों को, वकीलों को, पुलिस को, उनको देना ही नहीं पड़ेगा। छाती में थोड़ा सा दर्द हो जाए, भले ही गैस से हो जाए, गैस से भी दर्द होता है, और आप चले गए डॉक्टर के पास, ईसीजी करा लिया आपने, कोई बड़े अस्पताल में फंस गए आप, फोर्टिस जैसे, अपोलो जैसे, महाराज अच्छी तरह हजामत बनाते हैं वो, मेदांता जैसे 10-20 लाख की हजामत बनाते हैं। वो कहते हैं कि आप अभी तक जिंदा कैसे हैं? तो आपको 1 साल पहले ऑपरेशन कराना चाहिए था, अभी तक जिंदा है, गजब हो गया। कितना खर्चा आएगा? 10 लाख। वो 10 लाख तो मेरे पास नहीं है, मैं जाके घर जाकर इंतजाम करूं, आप घर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, मैं गारंटी लेता हूं, डॉक्टर कहता है मैं गारंटी लेता हूं आप घर तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक किसी रोगी को हम ले गए तो बोले घर तक नहीं पहुंच पाएगा, मैं गारंटी लेता हूं, डॉक्टर ने कहा, मैंने कहा मैं गारंटी लेता हूं ये घर तक पहुंचेगा। कुछ नहीं, उसको गैस की प्रॉब्लम थी, जबरदस्ती उसको बाल बदल देते हैं, जबरदस्ती उनके ऊपर ऑपरेशन कर देते हैं, बाईपास कर देते हैं, उससे लाखों रुपए की कमाई होती है। तो जो 10% नहीं निकालेंगे उनका धन ऐसे जाएगा, बेटा बिगड़ेगा, बेटी बिगड़ेगी। कोई केस में जाएगा, वकीलों में जाएगा। दानम भोगम तथा नाशम, 3 गतियां धन की, दान भोग और नाश। 10% दान, 90% अपने उपभोग में लगा ले, दोनों नहीं करता तो फिर नाश होता है, तो नाश यही है। 50 लाख सीधा डॉक्टर के पास चला गया, ये नाश है धन का। 50 रुपए कभी दान नहीं दिए, 50 रुपए का किसी गौ माता को हरा चारा नहीं खिलाया, 50 रुपए कभी किसी रोगी की दवाई में नहीं लगाए जीवन में, किसी विद्यार्थी को 50 रुपए की नोटबुक लेके नहीं दी, और 50 लाख सीधा दे दिया डॉक्टरों को, दोनों में डाल लगा, दोनों में डाल लगा। इसलिए जल्दी डरो मत, घबराए मत करो, थोड़ा दर्द हुआ सीधा चंडीगढ़ टेस्ट कराओ, गैस का भी हो सकता है, थोड़ा तेल बंद करो, मसाले बंद करो, धाम बंद करो, खाना खिलाना शुरू करो, धाम खाना बंद करो, धाम खिलाना शुरू करो, डॉक्टर को देने से तो अच्छा है अन्नदान हो जाए। मेरे को भी बुला लिया करो जब धाम हो तो, लेकिन मैं
रोटी खाता हूं सावधान। तो नारायण ध्रुव जी महाराज सब सीख गए, बच्चों के हाथ से दान करवाओ, बच्चों के हाथ से सेवा करवाओ, बच्चों के सामने प्रणाम करो आप अपने बूढ़ों को, माता पिता को, सास ससुर को, बच्चों को गोदी में लेके गौ माता को रोटी दो रोज। आखिर बच्चों में संस्कार पड़ेंगे कहां से, सोर्स तो होना चाहिए कुछ, तो सोर्स ही नहीं, ना मां के पास है ना दादी के पास है। अब दादी को भी शर्म नहीं लगती है, तो रोज दाई कराती है, दादी को तो थोड़ा होने से ही फैशन कि अब मैं दादी बन गई, अब चम्मक किलो नहीं बनना मेरे को। अपने लिए जी लेते, अपने लिए जीते हैं। हमारे पीछे बोलो, अपने लिए जीने वालों को शांति नहीं मिलती। हाँ, ये होमवर्क है, आप छात्र हैं, हम टीचर हैं, थोड़ी देर के लिए मान लो टीचर हमको, वैसे तो आप रहे हैं टीचर। अपने लिए जीता है उसको शांति नहीं मिलती, अपने लिए मत जियो, थोड़ा थोड़ा दूसरों के लिए भी जियो और प्राणियों के लिए भी जियो, जो नीडेड है, जरूरतमंद है, उनके लिए जियो, अपने लिए मत जियो। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना, है काम आदमी का औरों के काम। ह्यूमैनिटी क्या है, दूसरों के भी काम आ जाए, दूसरों के काम तो आते नहीं। अपने बच्चे को तो हर साल 4 लाख रुपए खर्च कर देते हो आप पढ़ाने में, अब ये जो तो ज्यादा होगा, होता नहीं होता बोलो। अपने लिए जी रहे, अपने लिए। कल वही बच्चा अपनी मर्जी शादी कर लेता है, माँ बाप बैठे रहो, रोते रहो, बैठे रहो अणु में, उसको अणु मात्र दया भी नहीं आती, अणु मात्र दया भी नहीं उसके अंदर, संस्कार तो दिए नहीं, केवल डिग्री है दी उसको। अब वो अपने को बड़ा मानने लगा, आपको बैकवर्ड मानने लगा, बैकडेटेड है, बैकवर्ड है, कुछ जानते नहीं हमारा, पढ़े लिखे नहीं मेरे माता पिता। बच्चे कहते हैं महाराज पिताजी समझते ही नहीं मेरी बात समझते ही नहीं, बाबा मेरी बात समझते ही नहीं है, बूढ़े हो गए ना। मैंने कहा बेटे आप बेटा बाबा नहीं समझेंगे, अब बीवी समझेगी, अच्छी तरह से समझाएगी तेरे को, बाबा नहीं समझेंगे बीवी समझेगी तेरे। तो बच्चे देखकर सीखते, इसलिए बच्चों के सामने कोई ऐसे एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए जिससे उनके मन पर बोलो दुष्प्रभाव पड़े, जिससे उनके मन पर दुष्प्रभाव। एक दूध बेचने वाला भाई था, वो दूध में पानी मिलाता था, भैंस का दूध बेचता, दूध में पानी मिलाता था। मैंने कहा कम से कम छोटे बच्चों के सामने मत मिलाए कर, छोटे बच्चे जो लोग बीड़ी पीते हैं ना, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पी जाती है, छप जाती है, अंतःकरण बड़ा द्रवित होता है, बच्चों का निर्मल होता है, वो चीज छप जाती है, कच्चा घड़ा है वो ढल जाता है जैसे ढालना है उसको। आप लोग तो पक्के घड़े हो, सत्संग की बात जल्दी ढलेगी नहीं, लेकिन बच्चे कच्चे घड़े होते हैं, आप लोग चिकने घड़े हैं, बुरा ना मानो, होली है तो चिकने घड़े पे पानी डालो तो वो भूल जाता है, और कच्चे घड़े में डालो तो सोख लेता है, रंग डालो रंग सोख लेता है, जैसे रंग में रंगो वैसा रंग जाएगा। इसलिए बच्चों के सामने कोई भी एक्टिविटीज ऐसी नहीं हो जिससे बच्चों का स्वभाव बदले। बीड़ी पीना है आपको, आदत गंदी है, छूटती नहीं है, अलग जा सकती है, बच्चों के सामने नहीं। मोबाइल पे झूठ बोलना है तो अलग जाकर बोलो, अलग जाकर। एक आदमी ने कहा महाराज बड़ा मुश्किल है, मैं छत पे जाकर फोन करता हूं तो बीवी लड़ती है, किससे बात कर लेता, दिखाओ फोन, पासवर्ड बताओ, और
इधर बात करता हूं तो बच्चों पर असर गलत पड़ेगा, व्यापार में झूठ बोलना पड़ता है, ऐसा बोला। दूर जाता हूं तो बीवी को डाउट होता है, अरे इतना विश्वास नहीं है तेरे को, इतना विश्वास नहीं तेरे को पति पर। महाराज आप नहीं जानते, वो ऐसे ही, तो वो ऐसे ही है तो कब तक फिर तू साथ साथ रहेगी, ऐसे ही है तो ऐसे ही होगा फिर। बेमतलब में शंका करके फिर लड़ाई करती हूं, छोटी छोटी बात पर। किससे बात कर रहे थे इतनी देर से, वो कौन था अथवा कौन थी बताओ? ये स्वभाव की अशुद्धि है, ये झूठा अहंकार है। महाभारत में लिखा है कि स्त्री का दुश्मन अहंकार है, तपस्वी का दुश्मन क्रोध है। तपस्वी को क्रोध बहुत आता है, उसका दुश्मन है वो। तो छोटे बच्चे देख कर सीखते हैं, इसलिए उनके सामने एग्जाम्पल सेट करो, उनके सामने पूजा अर्चना करो, उनके सामने बड़ों को प्रणाम करो, उनके सामने दान दो, उनके हाथ से दिलाओ, ताकि वो देना सीखेंगे। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो आपको पानी भी नहीं देगा पानी, क्योंकि आपने देने का उसका स्वभाव डाला ही नहीं, देने की हैबिट नहीं डाली उसने। लेना लेना सीख गया, ले लूं। एक आदमी ने कहा प्रभु मेरे को ऐसा बनाओ कि अगले जन्म में लेता ही रहूं। दो लोग भजन कर रहे थे, ठीक है। दूसरे से पूछा तेरी क्या ख्वाहिश है? बोले प्रभु मेरे को ऐसा बनाओ कि मैं देता ही रहूं। तो जिसने कहा लेता ही रहूं, भगवान ने उसको भिखारी बना दिया, अगले जन्म में कटोरा पकड़ा दिया, ले तू लेता ही रहे। और जिसने कहा था कि मैं देता ही रहूं, उसको राजा बना दिया बेटा, अणु का राजा बना दिया, अणु से परमाणु तक देता ही रहे। जिसने कहा लेता ही रहूं तो बेटा कटोरा पकड़ ले फड़ ले कटोरा, लेता रहे। एक आदमी ने कहा प्रभु मेरे को ऐसा बनाओ कि काम तो दूसरे करें और पैसा मेरे को दे, तो उसको भगवान ने सुलभ शौचालय का चौकीदार बना दिया। काम दूसरे करेंगे, भीतर जाकर अपना अपना सब वो 5-5 रुपए लाकर तेरे को देंगे। जैसी भावना है वैसे बन जाए। सुख देना सीखो, सुख बांटना सीखो। ध्रुव जी मां को देख देख कर भक्त बन गए। छोटे बच्चे देख कर बनते हैं, बिगड़ते हैं। थोड़े बड़े हुए, 4-4.5 वर्ष की अवस्था हुई, एक दिन ध्रुव जी खेलते खेलते गए महल में। अब महल में जाकर देखा कि राजा बैठे हैं, राजा को तो जानते ही थे, कभी कभी छोटी रानी से छिप कर मिलने के लिए आते थे, अपने बेटे से, अपनी पत्नी से, रानी से। राजा को देखा, पिताजी बैठे हैं एक सिंहासन पर, महल के अंदर सोफा लगा हुआ है, सिंहासन लगा है, बैठे बहुत सुंदर महल सजा हुआ है। पिताजी बैठे हैं, माताजी बैठी हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, नाले नमकीन खा रहे हैं, और छोटा भाई, सौतेला भाई ध्रुव जी का छोटा उत्तम, जो सुरुचि का बेटा था, 6 महीने बाद सुरुचि को भी एक पुत्र हुआ, उत्तम नाम जिसका, वो भी राजा की गोद में बैठा है। अब छोटे बच्चों का मनोविज्ञान क्या कहता है कि जो एक भाई कर रहा वही मैं करूंगा, देखा देखी होता हूं, जो मिठाई वो खा रहा वही मैं खाऊंगा, जो खिलौना उस बच्चे ने लिया है वही खिलौना मैं लूंगा। ध्रुव जी ने कहा मैं भी बैठूंगा पिताजी की गोद में, मैं भी बैठूंगा। पिताजी ने तो गोद में लिया नहीं,
पिताजी डरते हैं सौतेली माँ से, पिताजी ने गोद में नहीं लिया, वो बच्चा रो रहा है लेकिन पिताजी ने गोद नहीं, रानी की तरफ देख रहे हैं सुरुचि की तरफ कि सुरुचि का क्या आदेश है, इतना गुलाम है जोरू का। कोई कोई लोग महाराज बहुत दबते हैं, बहुत टॉर्चर किए जाते हैं। राजा ने ध्यान नहीं दिया, अंतो गत्ता बेचारे ध्रुव जी खुद पकड़ पकड़ कर वो कपड़ा उनका और चढ़ने लगे, ऊपर ऊंचा सिंहासन था उधर चढ़े, उधर से उधर चढ़े, फिर राजा की धोती पकड़कर गोद में लटकने लगे। सुरुचि ने राजा से तो कुछ नहीं कहा कि इसको गोद में लो या मत लो, आदेश नहीं दिया, वो तो ध्रुव की तरफ देख रही है। सुंदर ध्रुव को देखा खुशी नहीं हुई, ईर्षा से भर गई, मेरी सौतन का बेटा है, सौकड़ का बेटा है, ईर्षा से सुरुचि भर गई। इसकी मां से ईर्षा तो है उसके बेटे से भी ईर्षा। अरे भाई एक से ही रखो ना, हम तो कहते हैं किसी से मत रखो, अणु मात्र भी मत रखो अणु में, लेकिन रखते हो तो कम से कम एक से रहने दो। उस सुंदर से बच्चे को देखकर सबको खुशी होती है, लेकिन इसको ईर्ष्या हुई और इसने धक्का मारा उस बच्चे को, चल यहां से, गिरा दिया नीचे। राजा की गोद में बैठना है, राजा हाँ हाँ मां मेरे को बैठना, हाँ छोटी मां मेरे को बैठना है, मेरे को बैठना, मेरे को चल राजा की गोद में बैठना, जा जंगल में चला जा, भगवान की तपस्या कर, भगवान प्रकट हो तो वरदान मांगना कि प्रभु मेरा ये शरीर छूट जाए और दूसरा शरीर मेरे को सुरुचि के गर्भ से मिले, मेरे गर्भ से मिले। तू सुनीति का बेटा है, राजा का बेटा है, लेकिन तू मेरा बेटा नहीं है, सुनीति का बेटा है। जब मेरे पेट से तू जन्म लेगा तब जाके राजा की गोद में बैठेगा, सिंहासन पे भी बैठ सकता है, तू जा चल, चल राजा की गोद में बैठना है, राजा की गोद में मेरा बेटा बनेगा तब बैठेगा, जा भगवान से मेरी कौख मांग। अब सुरुचि को इतना अहंकार है कि भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर रही है, वो भगवान का, भक्त ध्रुव का अपमान तो कर ही रही है, भगवान का भी अपमान, भगवान की भक्ति का अपमान कर रही है। अरे भगवान की प्राप्ति के बाद गर्भवास समाप्त होता है या गर्भवास मांगा जाता है, बोलो। ये कह रहे हैं कि गर्भ मांग भगवान से, मेरा गर्भ, भगवान से यही मांगना है कि मैं गर्भ बार बार गर्भवास में जाऊंगा, लेकिन अहंकार बस ऐसी बेवकूफी की बात कर देंगे। नीचे पटक दिया बेचारे, रोने लगे, बच्चा है, बच्चे का बल रोना है, बालानाम रोदनम बलम, रोते 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 अपनी मां के पास आए, महल से दूर गांव से बाहर जो उपवन में जहां बगीचे में रहती थी मां सुनीति, मां के पास आए, ध्रुव जी रो रहे हैं, मां ने गोद में ले लिया, बेटा क्या बात है, किसने मारा, किसने मारा बेटा, कहां लगी चोट तेरी, किसने मारा, किस, कुछ बोल नहीं रहे, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, कुछ बता ही नहीं रहे। मंत्री पुत्रों ने बताया कि हम बताते हैं, साथ में जो खेल रहे थे बच्चे मंत्रियों के, उन्होंने बताया कि क्या घटना घटी। तम निस्वसंतम स्प्रिता धरोष्ठम सुनीति उत्संग उदुही बालम, उस बालक को गोद में लेके बिचारी दुलार रही है, सब समाचार सुना उसने मंत्री पुत्रों से, ध्रुव जी क्यों नहीं बोल रहे, ध्रुव जी चुप हो गए फिर भी नहीं बता रहे, क्या बात है। ध्रुव जी ऐसे महापुरुष हैं, इन्होंने नियम रखा है कि जीवन में किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं बतानी, किसी की बुराई का जब आप बखान करते हैं तो उससे आपकी जिह्वा अपवित्र होती है, मन अपवित्र होता है उसके पहले, और उसके पाप आपके अंतःकरण में आ जाते हैं, जिसकी निंदा करते हो आप उसके पाप आपके पास आ जाते हैं। तो ध्रुव जैसे महापुरुषों का तो सिद्धांत है कि अपनी जवान से कभी किसी की बुराई मत करो, किसी की कमी मत बताओ कि वो ऐसी है, उसने ऐसा किया है, इस बात को याद रखो, कभी किसी की निंदा नहीं करो। दूसरों के पाप क्यों लो भाई, अपने ही कम है क्या, दूसरों क्यों लो, इतने उदार मत बनो,
इस मामले में थोड़े कंजूस बनो, दूसरों के पाप लेने में थोड़े कंजूस बनो। पहले ही कम है, पहले ही कितने पाप हैं उस कारण से दुख भोग रहे हैं। कोई पति के माध्यम से भोग रही, कोई पत्नी के माध्यम से भोग रहा है, कोई बेटे के माध्यम से, कोई पड़ोसी के माध्यम से, कोई रोग के माध्यम से। पहले ही कितना फेस कर रहे हैं, और नया और क्यों करो, नया और क्रिएट क्यों करो। निंदा करने से दूसरों के पाप आ जाते हैं, जिसकी हम निंदा कर रहे हैं उसके पाप हमारे पास आ जाते हैं। महाभारत में लिखा उसका छठवां हिस्सा हमारे पास आ जाता है, छठवां हिस्सा। 100 रुपए के 6 हिस्से करो कितना कितना होगा, 17 16 17 कितना होगा, उतने परसेंट पाप आपके पास आ जाते हैं। 16-17% पाप आपके पास आ जाते हैं। किसी ने व्यभिचार किया, आपने निंदा कर दी, तो उसके 16-17% पाप आपके पास आ गए। किसी ने चोरी की, आपने निंदा कर दी, उसके जाने अनजाने में होते ही रहते हैं, बट दूसरों के नहीं रहना। दूसरों के दोष भी मत देखो, और देख लो तो चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत। पर्दे पर्दे अंतर है, कहीं हीरा है तो कहीं। इसलिए आज से किसी की निंदा बोलो, हमारे पीछे बोलो, आज से जानबूझकर नहीं करेंगे, करेंगे चुगली, चुगली नहीं करेंगे, नहीं करेंगे किसी के दोस्त, किसी के दोस्त जो वादा किया वो। वेरी गुड, एक बार ताली तो बजा दो। ये हमारी क्लास है, हमारे छात्र छात्राएं सब BKG वाले, हमारे माला स्त्री थे, वो थे PhD। जस्ट लर्न, ठीक है ना, शुरू कर रहे हैं। बहुत कोई आप लोग, हम लोग कोई बहुत ज्ञानी नहीं, कोई तो जानबूझकर निंदा नहीं करेंगे। देखो ये नहीं, आपको ठग लिया तो दूसरा भाई दूसरी बहन हमारे पास आ रही है, तो आप उसको कह दो भाई सावधान रहना, थोड़ा संकेत दे दो। घंटों तक आप निंदा करते रहो, निंदा करते रहो, मोबाइल में उसको भी करते रहो, उसको भी निंदा करते रहो, छत पर जा जाके करते रहो, छत पर जाके। ठीक है, इसमें काट बांध लो, बांध लो, अच्छी बच्ची है, सब अच्छी छात्राएं हैं, छात्र भी अच्छे हैं। याद रहेगा कि हम निंदा नहीं करनी किसी, छात्राएं बड़ी समझदार है, छात्र लोग थोड़ी ईगो वाले हैं, ये नहीं बांधेंगे जल्दी, हाँ ये मूछ वाले हैं, ये नहीं बांधेंगे, इनकी तो जम आनंद रहते हैं। तो गांठ बांध, ये ध्रुव जी की शिक्षा है, ध्रुव जी की बहुत शिक्षा है। सुनीति माता धन्य है, सुनीति को बुरा नहीं लगा, सुनीति किसी चीज का गए उसी मस्ती में, उसी ब्रह्म की मस्ती में सराबोर होकर घूम रहा है, उसके लिए कोई दूसरा दिखा भी ऊंचा ज्ञान है। इसमें कोई वेदव्यासी की बुराई नहीं है, क्योंकि वेदव्यासी आचार्य होती के संस्कृत के पास आ गए, कि परीक्षित जैसे महापुरुषों के योग्य गुरु तो सुखदेव है। सुखदेव भी आ गए, आकर सब खड़े हुए उठ गए, राजा ने चरण धुलाए और पूजा की है, चरणों तक लिया है, वाह वाह महाराज आज मैं धन्य हो गया, आज मैं धन्य हो गया। ऐसे संतों का स्मरण से घर पवित्र हो जाता है, हृदय पवित्र हो जाता है, उनका दर्शन मिल जाए, उनका चरणों तक मिल जाए, वो हमारी आसन स्वीकार कर ले, एक से एक बढ़कर कृपा है। इसलिए अब तक का कोई भय नहीं।